Assalamu alaikum. Welcome to another upload of Shadow Geo's channel. Aaj ke topic mein obviously sabse ahem khabar jo hai wo hai JIT ka jo faisla hua hai. Ab is surat hal mein agar kisi ko मुसीबत पहुंच रही है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए और ढीठ बन के आगे बढ़ना बिल्कुल गलत है. मैं एक मिसाल दूंगा. जैसे एक भैंस होती है रोड पे आगे आ जाती है. अब भैंस को चाहिए कि वो निकल जाए गाड़ियों का ट्रैफिक रोक रही है. अब हम लोग हिंदू मजहब के तो नहीं है कि हम भैंस को उतनी अहमियत दे रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है. तो इसी लिहाज से नवाज शरीफ को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए और हुकूमत को छोड़ देना चाहिए. लेकिन जाहिर है ऐसे शख्स का रवैया बिल्कुल ढीठ हो चुका है. मैं एक मिसाल दूंगा. जो देखता है मेरा YouTube चैनल दे आर मोस्ट वेलकम टू. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हुकूमत में फोर्सफुली अपने आप को रखें और पूरी दुनिया आपके खिलाफ बातें कर रही है. एक पॉइंट नहीं 10 पॉइंट्स हैं नेगेटिव में जा रहे हैं. अब मैं अपने आप को यूट्यूब की एग्जाम्पल ही दे सकता हूं. द पॉपुलर यूट्यूबर्स हु हैव रियली मेड इट ऑन प्लैनेट अर्थ आर केसी नाइस्टार, फॉजी ट्यूब, रोमन एटवुड, प्यूडीपाई. लेकिन देर आर मिलियंस ऑफ अदर यूट्यूबर्स एंड रियली यू नो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी यूट्यूबर. अब मैं किसी के सर पे गन रख के तो नहीं कहूंगा हाँ जी मुझे देखो आप. अब मैं क्या बोलूं. तो वही भैंस की मसाल और इसी लिहाज से जो खवातीन मरियम नवाज हैं उसने भी अपना बिगिनिंग और एंडिंग एक ही हाथ में एक ही तीर से फाइनलाइज कर ली. शी कुड हैव डन वेरी सिंपल थिंग कि मैं पनामा गेट से और नवाज शरीफ अपने बाप से मैं डिस्टेंस करना चाहता हूं स्पीकिंग ऑन हर बेनिफिट. पाकिस्तान जिंदाबाद.